आज हम जानते हैं धान के प्रमुख कीटों के बारे में। राइज या पैडी के जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनके फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बन पाता है उनको हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में हम क्यूज़ भी लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पे है जैसे कि येलो स्टेम बोरर। येलो स्टेम बोरर की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। देखिए, जितने भी साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम जो भी हैं उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके कॉमन नेम के साथ उसका साइंटिफिक नेम बोलिए। जब उसको आप बार बार बोलेंगे इससे कि आपका साइंटिफिक नेम ईजिली आपको याद हो जाएगा, जैसे कि येलो स्टेम बोरर ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है पायरेलेडी। फीचर्स या सिम्टम्स की बात करें तो इसको हम देख लेते हैं। ये राइस का एब्सोल्युटली पेस्ट है, यानी कि ये मोनोफोगस है। और ये जो येलो स्टेम बोरर होता है ये क्या करता है, ये प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले ये अटैक करता है। इसका जो कैटरपिलर है वो प्री फ्लावरिंग से पहले अटैक करता है। राइस का जो मेन स्टेम है यानी कि सेंट्रल स्टेम है, उसमें जाके क्या करता है, ये होल कर देता है, पूरे के पूरे प्लांट को ये ड्राई कर देता है। डेड हर्ट सिम्टम्स जिससे शो होते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब पेनिकल बनता है तो पेनिकल्स के अंदर कोई भी ग्रेन नहीं होता, खाली होता है वो। इसकी जो सबसे ज़्यादा हैवी डैमेज वैरायटी है राइस की, वो बासमती राइस सबसे ज़्यादा हैवी डैमेज वैरायटी है येलो स्टेम बोरर की। येलो स्टेम बोरर के मैनेजमेंट की बात करें तो रिमूव एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप स्टेबल्स। एग्स ऑफ स्टेम बोरर आर लेड नियर टिप ऑफ लीफ हैंड्स। क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स एट सीडलिंग, या फिर हम केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कि जो इसकी येलो स्टेम बोरर की जो मादा होती है वो लीफ का जो टिप होता है पोर्शन, वहाँ पे जाके अपने एग को देती है। जब हमको पता है कि ये वहाँ पर एग देती है तो वहाँ का जो टिप का पोर्शन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, हम बर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि येलो स्टेम बोरर को हम इजीली उसको बहुत अच्छे तरीके से बिना केमिकल के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं येलो स्टेम बोरर का जो वाइट ईयर हेड जो हो गया है वहाँ आप ईज़िली यहाँ पर ही देख सकते हैं पिक्चर्स में, और डेड हर्ट सिम्टम्स जो शो होते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। राइस के सेकंड पेस्ट की बात करें तो राइस गंदीबक के अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो लेप्टोकोर्सिका एक्यूटा। देखिए, इसका जो साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोर्सिका एक्यूटा, तो कोर्सिका यानि कि कोरेडी, यानि कि इसके साइंटिफिक नेम से हम इसकी फैमिली को भी याद कर सकते हैं ईजिली, कोरेडी कोर्सिका है ना। फीचर्स की बात करें तो ये राइस का पीरियोडिक पेस्ट है, यानि कि एक सीजनल नहीं, एक अपने पीरियड पे आता है। जैसे सीजनल पेस्ट क्या होते हैं, हर साल आते हैं, पीरियोडिक पेस्ट क्या होते हैं, एक पीरियड पे आते हैं, जैसे कि 3 साल के बाद आ गया, 4 साल के बाद आ गया, तो उन पेस्ट को हम पीरियोडिक पेस्ट कहते हैं। राइस गंदीबक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गंध निकालती है ना, पंजेंट। और ये जो होता है राइस गंदीबग, वो राइस की मिल्किंग स्टेज पे जाके अटैक करता है। मिल्किंग यानी कि दुग्ध अवस्था चलती है राइस की, उस पे जाके ये अटैक कर रहा है ना। तब अटैक करता है तो ये क्या करता है, उसका दूध को सब चूस लेता है ना। गंदीबग बग को हमको पता है, बग के अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं हम जानते हैं, गंद के बग के अंदर जो होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तब ये पूरा का पूरा उसको जो सक कर लेता है उसके दूध को, ठीक है। तब जब पेनिकल बनता है, पेनिकल बनने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रेन नहीं होता, इससे क्या यानी कि इकोनॉमिक हमारा कितना ज़्यादा लॉस हुआ है ना। अब हम जो इसके इसका एक जो सिम्टम्स होता है राइस गंदीबग का, वो होता है सूटी मोल्ड। सूटी मोल्ड में क्या होता है, ये जो ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स अपेयर अराउंड होल। देखिए, चलो हम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं राइस गंदीबग के। क्लीन कल्टीवेशन, एडल्ट्स एंड बग्स कैप्चर थ्रो लाइट ट्रैप्स एंड डिस्ट्रॉय। हैंड कलेक्शन से भी हम इसके बग को कर सकते हैं है ना, या फिर उसको जो लाइट ट्रैप्स है इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम राइस की बादशाह भोग वैरायटी ग्रो करते हैं तो काफ़ी हद तक राइस गंदीबग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइस हिस्पा, डिक्लोडिस्पा अर्मीजेरा, फैमिली क्राइसोमिलेडी। फीचर्स एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये राइस का सीरियस पेस्ट है। राइस हिस्पा क्या करता है, लीफ की ऊपरी सतह पर पारदर्शी धब्बे बना लेता है ना। और इसका जो सेकंड सिम्टम की अगर बात करें तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये क्या करता है, जो मिडरिब होती है उस पर वाइट स्ट्रीक्स शो करता है, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं।
मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग करें, है ना, सीडलिंग की जो ट्रांसप्लांटिंग करें उससे पहले जो लीफ टिप है उसके उसको रिमूव कर दें ताकि वहाँ से हम एक्स को किल कर सकें। केमिकल में आप क्लोरोपाइरीफाइस का यूज़ कर सकते हैं। लार्वा पैरासाइट की बात करें तो यूलोफस फेमोरिलिस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स में ईजिली इसको देख सकते हैं, जो वाइट स्ट्रिक पैरेलल टू मिडरिब है उसको देख सकते हैं, और इसका जो राइज हिस्पा है उसको भी आप देख सकते हैं। राइज गर्ल मिर्च साइंटिफिक नेम ओरेसिलिया ओराइजी, फैमिली सिसिडोमाइलेडी, ऑर्डर डिप्टेरा। डिप्टेरा के अंदर ट्रू फ्लाइज, है ना, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, गर्ल मिर्च, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं। राइज गर्ल मिर्च का जो मेजर सिम्टम्स हैं वो होते हैं सिल्वर शूट एंड ओनियन लीव्स, ये टिलरिंग स्टेज पे हमें शो होते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर, नीला बरबेटा ल्यूजिंस, फैमिली डेल्फेसिडी, सीरियस पेस्ट ऑफ राइस, हाई यील्डिंग वैरायटीज, ट्रांसमिटेड दी ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज़। यानी कि जो राइस में ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज़ होता है उसके लिए ब्राउन प्लांट हॉपर रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन लीफ हॉपर नेफोटेटिक्स वायरिसेंस, फैमिली सिकेलेडी, धान में जो टंगरो वायरस से डिजीज़ होता है उसके लिए ग्रीन लीफ हॉपर रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, जितने भी वायरस से डिजीज़ होते हैं, वायरल डिजीज़ के लिए कोई ना कोई वेक्टर ज़रूर रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसमें कि मोस्टली केसेस में आपको ग्रीन लीफ हॉपर मिलेंगे, एफिड मिलेंगे, वाइट फ्लाई मिलेंगे। ये तीन काफ़ी ज़्यादा वायरस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग क्रॉप्स में। क्यू सेशन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइपोराइजा या सर्पोफेगा इंसेक्टुलस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, यानी कि साइंटिफिक नेम किसका अभी हम पढ़े थे, येलो स्टेम बोरर। हाई सेंसिटिव वैरायटी ऑफ राइस फॉर येलो स्टेम बोरर, येलो स्टेम बोरर के लिए कौन सी सेंसिटिव वैरायटी थी, हैवी डैमेज जो वैरायटी थी येलो स्टेम बोरर के लिए वो कौन सी थी, बासमती राइस। सीरियस पेस्ट ऑफ राइस, राइस का सीरियस पेस्ट कौन सा है, राइस का सीरियस पेस्ट है आपका राइस हिस्प, जबकि राइस थ्रिप्स आपका क्या है वो आगे अभी हम देखते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ राइस गंदीबक, ये BHU में क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन हैं कोई ना कोई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ राइस गंदीबक, राइस गंदीबक का साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिस्का एक्यूटा। एंड विच स्टेज गंदीबक अटैक राइस क्रॉप, राइस क्रॉप की किस स्टेज पे गंदीबक अटैक करता है, वो है आपकी मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज पे अटैक करता है, फिर उसके बाद जो पेनिकल्स बनते हैं उसके अंदर कोई भी ग्रेन्स नहीं होते। ग्रासी स्टंट डिजीज इन राइस ट्रांसमिटेड बाय, ग्रासी स्टंट किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका ब्राउन लीफ हॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग टंगरो डिजीज रिलेटेड टू, टंगरो डिजीज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, है ना, ग्रीन लीफ हॉपर। सिल्वर शूट एंड ओनियन लीव्स सिम्टम्स अपेयर, ये किस में अपेयर्स होते हैं, ये होते हैं आपके राइस गर्ल मिर्च में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ राइस नर्सरी, राइस नर्सरी के लिए इम्पोर्टेंट पेस्ट होता है आपका राइस थ्रिप्स। फैमिली ऑफ प्लांट ब्राउन हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर की जो फैमिली है वो है डेल्फिसिडी,